नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल लाइफ एक्स पर। आज हम इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी जड़ी बूटी के बारे में जिसे 10 घोड़ों की ताकत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, तो चलिए इसके बारे में विस्तार पूर्वक बात करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल लाइफ एक्स। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल लाइफ एक्स पर हार्दिक स्वागत है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे आज ही सब्सक्राइब करें और चैनल पर अवेलेबल बेल आइकन को इनेबल जरूर करें हमारी लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए दोस्तों, अब हम इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, आज हम जिस जड़ी बूटी के बारे में आपको बताने जा रहे हैं वो है अश्वगंधा। जी हाँ, अश्वगंधा को 10 घोड़ों की ताकत के रूप में संक्षेप में अनुवादित किया जा सकता है। इसका उपयोग कई बीमारियों के इलाज, तनाव और थकान से छुटकारा पाने के लिए किया जा सकता है। चोटों को ठीक करने में मदद करता है और इसका उपयोग एफ्रोडाइसियोक के रूप में भी किया जा सकता है और पुरुष बांझपन को रोकने में मदद कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, अश्वगंधा के फायदों के बारे में विस्तार से जानते हैं। दोस्तों, अश्वगंधा शरीर को फिर से जीवंत करने में मदद करता है। यह जड़ी बूटी ना केवल एक व्यक्ति को शांत करती है बल्कि आपके शरीर के संतुलन को भी पुनर्स्थापित करती है। इसीलिए इसे रियासन या एक जड़ी बूटी के रूप में भी जाना जाता है जो कायाकल्प करता है। अश्वगंधा प्रतिरक्षा प्रणाली यानी कि इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है और इस प्रकार सफेद रक्त कोशिकाओं यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स के उत्पादन में बढ़ावा देती है, जिससे एंटीऑक्सीडेंट्स के स्तर बढ़ते हैं, जैसे सुपर ऑक्साइड डिमोटेज और ग्लूटाथियोन पेरोक्साइड। किसी व्यक्ति के नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम पर इस जड़ी बूटी के प्रभाव शरीर, दिमाग और आत्मा को भी सुसंगत बना सकते हैं। दोस्तों, यह सकारात्मकता को बढ़ाता है। तनाव और चिंता नकारात्मक सोच और आखिरकार डिप्रेशन के कारण हो सकती है। तनाव से लड़ने से अश्वगंधा इन समस्याओं को अस्वीकार करने में मदद करता है और इसके बजाय सकारात्मक सोच को बढ़ावा देता है। इसका उपयोग डिप्रेशन का इलाज करने के लिए भी किया जा सकता है। दोस्तों, अश्वगंधा नर्वस सेल्स को पुनः उत्पन्न करने में मदद करता है। अस्थमात्मक, ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा और स्त्री रोग संबंधी विकार जैसी बीमारियों के साथ अश्वगंधा का उपयोग न्यूरोडीजेनरेटिव बीमारियां जैसे पार्किंसंस रोग या अल्जाइमर के इलाज के लिए भी किया जा सकता है। यह नर्वस सेल्स और डेंड्राइट वृद्धि को पुनः उत्पन्न करने में मदद करता है और यहां तक कि नर्वस सेल्स के बीच संचार में सुधार करता है। यह शरीर में नर्वस सिस्टम को किसी भी तरह के नुकसान को ठीक करने की क्षमता को उत्तेजित करता है। दोस्तों, अश्वगंधा याददाश्त को बढ़ाता है और अनिद्रा का इलाज करता है। अश्वगंधा अनिद्रा का इलाज करने के लिए सबसे अच्छे आयुर्वेदिक उपचारों में से एक है। यह ना केवल आपको तेजी से सोने में मदद करता है बल्कि आपकी नींद की गुणवत्ता में भी सुधार कर सकता है। एक आरामदायक नींद एक व्यक्ति के कॉन्सेंट्रेशन की क्षमता को बढ़ाती है और दिन के माध्यम से उनींदापन को रोकती है। अश्वगंधा भी मस्तिष्क में एसिटिलकोलाइन के स्तर को बढ़ाता है। इसका स्मृति बढ़ाने और मस्तिष्क कार्य करने और खुफिया जानकारी को बढ़ाने पर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है। अश्वगंधा भी नाइट्रिक ऑक्साइड के उत्पादन को बढ़ाता है जो रक्त प्रवाह और रक्तचाप को नियंत्रित करने में मदद करता है, जिससे मस्तिष्क के ऑक्सीजन के स्तर बढ़ जाते हैं। तो देखा दोस्तों, कैसे ये साधारण सी दिखने वाली जड़ी बूटी हमारे लिए कितने काम की साबित हो सकती है। अगर आप भी अश्वगंधा के फायदों का भरपूर लाभ उठाना चाहते हैं तो आज से ही इसका सेवन करना शुरू कर दें। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की खास वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि आखिर अश्वगंधा को 10 घोड़ों की ताकत क्यों कहा जाता है। उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी जरूर पसंद आए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी इसके बारे में अपनी राय जरूर दें। अगर आपको हमारी ये वीडियो फायदेमंद लगे तो इस वीडियो को अपने दोस्तों और संबंधियों से जरूर शेयर करें, क्योंकि दोस्तों, आप लोगों का एक शेयर हमारे लिए बेहद मायने रखता है और आप लोगों का एक शेयर किसी की जिंदगी भी संवार सकता है। लाइक एंड कमेंट करके इस वीडियो के बारे में अपना फीडबैक भी दें और हमारे चैनल लाइफ एक्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कीप शेयरिंग एंड कीप सपोर्टिंग अस। हम आपको जल्द ही मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। Thanks for watching.